फतेहाबाद में मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे कोरोना पॉजिटिव फतेहाबाद बीजेपी के जिला प्रधान बलदेव सिंह ग्रोहा। मुख्यमंत्री के आने से पहले प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों के बीच मौजूद खड़े रहे कोरोना पॉजिटिव बलदेव सिंह ग्रोहा। आखिरकार प्रशासनिक अधिकारियों ने जिला प्रधान को समझाया और मुख्यमंत्री के आने से पहले जिला प्रधान को घर की ओर रवाना कर दिया। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी जिला प्रधान पुलिस लाइन क्यों पहुंचे, ये एक बड़ा सवाल है। कोई आम आदमी अगर इस तरह से कानून का उल्लंघन करता तो क्या पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती? क्या अब फतेहाबाद बीजेपी के जिला प्रधान पर दर्ज होगा केस? पुलिस लाइन में बीजेपी जिला प्रधान ने किस किस को किया कोरोना संक्रमित, कौन देगा जवाब? कोरोना का जो फैलाव हो रहा है उसके कारण से बहुत पेशेंट जो है अस्पतालों की तरफ आ रहे हैं। हमारा सब जगह जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे सरकारी अस्पताल है चाहे प्राइवेट अस्पताल हैं, वो मजबूत कैसे किया जाए, उस संदर्भ में सारी मैंने मीटिंग भी ली है। विशेष तौर पर उसमें ऑक्सीजन की जो सप्लाई है इसमें कोटा हमने बढ़ा दिया है, पीछे से हमारी सप्लाई पूरी हुई है, आगे भी ठीक से लोगों को मिल जाए। अभी भी जो जानकारी मिली है कि जो व्यक्तिगत लोगों को कुछ सिलेंडर की ज़रूरत होती है उनको परेशानी हो रही है, आज हमने कहा कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर उनको भी सिलेंडर दिया जाए और जहाँ कहीं हॉस्पिटल्स में कोई कमी है उसको ठीक किया जाए। नए अस्पतालों में जहाँ जहाँ बेड्स हो सकते हैं उनके ऊपर विचार किया है, वो भी कुछ और हॉस्पिटल प्राइवेट वो तैयार हैं जिसमें अपने बेड्स बढ़ाने के लिए तैयार हैं। ऐसे किसी को कुछ परेशानी ना हो, कठिनाई ना हो, ये सारा विचार आज हमने किया। जो नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है उनके फोन दो दिन से स्विच ऑफ आ रहे हैं, उनके फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहे हैं, जाने वाले सीएमओ तक भी यहाँ पे फोन नहीं उठाते, हमारा ही फोन नहीं उठाते जी। सुनिए सुनिए, हर चीज सीएमओ नहीं बताएंगे, यहाँ डीपीआर है, डीपीआर के पास सारी जानकारियाँ होती है वो देंगे, या फिर यहाँ हमने हेल्पलाइन नंबर पब्लिक के लिए हेल्प डेस्क बनाया है, वहाँ हमारे एक तहसीलदार जो है उनको नोडल ऑफिसर बनाया है, उस हेल्पलाइन पर लोग बैठते हैं, उनके पास जितनी बातें आती है उसको हल करते हैं। आज जितने स्ट्रेस में सीएमओ और ये अधिकारी हैं, हर व्यक्ति का फोन उनके लिए संभव नहीं है, व्यस्तता इतनी है, इसलिए आप सीएमओ की बजाय जो लोग जानकारियां दे सकते हैं उनसे आप जानकारी लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना हर बीमार व्यक्ति, हर यानी मीडिया का व्यक्ति, हर बेड लेने वाला व्यक्ति, अब दवाई लेने वाला व्यक्ति सब सीएमओ को फोन करेंगे, ये संभव भी नहीं होता है। थोड़ा ध्यान सर, आपका एक बयान आया था दो दिन पहले कि मैं जहां जाऊं वहां वीआईपी ट्रीटमेंट ना दिया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। बिल्कुल, आज भी नागरिक अस्पताल में आपके आने की सूचना पाकर जो लोग घंटों से लाइन में लगे हुए थे कोरोना के सैंपल को लेकर, उन्हें हटाया गया, उनको रोक दिया गया, रोक दिया गया। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।